लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अब वहीं से हम दोबारा कनेक्ट करते हैं कि आपके पास अब तक आपको ये पता चल गया कि कोई भी पॉइंट होता है स्पेशली ऑन प्लान, तो हम उसको ड्रॉ करते हैं, उसको लिखते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर, और उस ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास दो कॉम्पोनेंट होते हैं। फर्स्ट जो था उसे हमने कहा था एब्सिसा, एंड सेकेंड जो था उसे हमने कहा था ऑर्डिनेट। अब एब्सिसा हमने कहा था जब भी आप लिखेंगे तो करस्पॉन्ड करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो इसे हम एक्स से लिखते हैं और सेकंड को हम वाई लिखते हैं। यानी जब भी कोई पॉइंट आप लिखेंगे तो उसमें इस तरह से होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट को हम एब्सिसा कहेंगे, सेकंड को ऑर्डिनेट कहेंगे, कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस पूरे प्लान पर कहीं पर भी, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, तो मैंने कहा ए कोई पॉइंट है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे हमने कह दिया लाइक एक्स वन कॉमा वाई वन, एक और पॉइंट है लाइक बी और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने कहा एक्स टू कॉमा वाई टू, और आपसे कहा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या है। एक चीज जरा नोट कर लें इसमें कि इन मैथमेटिक्स जब भी हम ग्राफिकली बात करेंगे तो टर्म हम यूज करेंगे डिस्टेंस, लेकिन इस डिस्टेंस का मतलब ऑर्डिनरी डिस्टेंस नहीं है, इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही है, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी डायरेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे। सो ए से लेकर बी तक डायरेक्ट डिस्टेंस, यानी ए और बी पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। नाउ दो वे से पूछा जा सकता है, एक तो मैं ये कहूं कि ए से लेकर बी तक जो पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। दूसरी बात ये कि मैं कह दूं ए और बी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी है। दोनों सूरतों में एक ही बात है, तो आप इसे डी से रिप्रेजेंट कर दें या फिर आप इसे किस तरह से लिखेंगे कि ए बी, यानी जो भी दो पॉइंट्स के नेम होंगे उनको आप इकट्ठा लिखेंगे, ऊपर ये लाइन लगा देंगे विच शोज के ए और बी को ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है, और अगर आप उस पर ये मॉड लगा दें तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है ए और बी को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसे आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, यानी मैं इसे ए बी डिस्टेंस भी कह सकता हूँ या फिर जस्ट डी कह दूंगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन देयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, तो क्या हो जाएगा आप देखें इसमें कि इसका फर्स्ट कॉम्पोनेंट एब्सिसा, इसका भी एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट ये भी ऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर एंड प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो ये आप नोट कर लें कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इन स्क्वायर रूट डिफरेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ देयर एब्सिसास एंड स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर ऑर्डिनेट। इनको अगर आप ऐड कर देंगे यानी इनका सम कर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। एग्जांपल करते हैं और फिर हम देखते हैं, एग्जांपल करते हैं किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे जब आपसे डिस्टेंस का पूछा जाएगा। सो आपके पास एक्सरसाइज है 2.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स, उसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट पेयर्स में मिले हुए हैं, आपने उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पर नाम दिया हुआ था, एक पॉइंट पी वन है, एक पी टू है, पी वन के कोऑर्डिनेट्स भी मिले हुए हैं, पी टू के कोऑर्डिनेट्स भी मिले हुए हैं और आपने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, पहले आप इसे बना लें कि क्या बन सकता है। तो ये पॉइंट वन है तो हम कह देते हैं फर्स्ट कंपोनेंट एक्स वन है तो एक्स वन की वैल्यू माइनस थ्री और वाई वन की वैल्यू हो गई माइनस वन, सिमिलरली एक्स टू की वैल्यू नाइन और वाई टू की वैल्यू फोर आ गई। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करें तो पी वन पी टू का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो आप देखें वैल्यू क्या है, एक्स टू की वैल्यू है नाइन, फॉर्मूले में माइनस है, एक्स वन भी माइनस है तो ये प्लस का थ्री हो जाएगा इसका होल स्क्वायर एंड प्लस फोर माइनस और ये भी माइनस है तो प्लस का वन का होल स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व स्क्वायर एंड फोर प्लस वन फाइव का स्क्वायर,
सो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, और इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये 169 आ जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 यूनिट्स आ जाएगा। क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस का कोई ना कोई आपके पास यूनिट होगा, तो अगर वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर है तो मीटर में। तो यहाँ जस्ट यूनिट की बात की थी, इसलिए हम लिखेंगे कि P1 और P2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास 13 यूनिट्स है। तो इसके जो रिमेनिंग है वो आपके पास असाइनमेंट्स हैं, जो मैं कलेक्ट भी करूँगा। इसके आपके पास बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपने सॉल्व करना है। उसके बाद अब अगर आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन तो तकरीबन सेम ही है, बस उसमें वर्डिंग आपके पास चेंज हो गई है। वर्डिंग में उसने ये नहीं कहा कि डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, बल्कि लिखा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ, कुछ क्वेश्चंस यूं है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी उसमें भी आपके पास पेयर ऑफ पॉइंट्स ही हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं कहा कि डिस्टेंस फाइंड करें। अब आपसे कहा कि इन दोनों पेयर ऑफ पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनती है, उन लाइन की लेंथ फाइंड करें। मैं इनिशियली बता चुका था कि लेंथ फाइंड करें या फिर डिस्टेंस फाइंड करें, फार्मूला सेम है, बात भी एक ही बनती है। तो इसलिए आप सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट मैंने सॉल्व करवा दिया, इसके टोटल 6 पार्ट हैं, बाकी रिमाइंडिंग जो हैं वो आपने करने हैं। वो मैं बता दूंगा कि कब तक आपने असाइनमेंट जमा कराने हैं, अभी तो हम स्टार्ट ले रहे हैं। और सेकंड जो क्वेश्चंस हैं इनमें भी जितना आपसे हो सके उसके भी कुछ 6 क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं।